हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अजय सिंह नेगी और आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल अजय नेगी यूके 11 में। आप ठीक पीछे देख सकते हो विद्यालय, और मैं अर्ली मॉर्निंग स्कूल आ चुका हूँ क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का जो मैनेजमेंट है वो मेरी जिम्मेदारी है स्कूल में। दैट्स वाई अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ और अभी नहीं आए हैं, और अभी सुबह के 6:30 बजे हो रहे हैं, तो सुबह सुबह आना पड़ता है, यही ड्यूटी है। और अगर आप मैं वेदर की बात करूं तो बारिश के पूरे पूरे आसार नज़र आ रहे हैं। आप पीछे देख सकते हो धुंध सी लगी है, लेकिन बादल लग रहे हैं और ऐसी पूरी संभावना है कि बारिश आ जाए, और अभी बारिश के पूरे पूरे आसार लग रहे हैं। अगले 2-3 दिनों के लिए बारिश का भारी अलर्ट भी बताया गया है, और स्पेशली कुमाऊं मंडल के कई डिस्ट्रिक्ट्स में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बरसात से पहाड़ों का जनजीवन किस तरीके से प्रभावित होता है, क्या चेंजेस आ जाते हैं, क्या क्या सामना करना पड़ता है चुनौतियों का, उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताते रहूँगा कि किस तरीके से पहाड़ों में सड़कें टूट जाना, भूस्खलन हो जाना, ये बहुत आम सी बात होती है। तो अगर आप लोग ट्रैवल करते हो पहाड़ों में आजकल, तो सावधानी बरतें, या जैसे चार धाम यात्रा है या इस तरीके की चीज़ें थोड़ा अवॉइड ही करें तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इवनिंग का समय, और इवनिंग के समय आप देख सकते हो मौसम तो लगभग साफ ही नज़र आ रहा है अभी। और दोस्तों, ये बैंगन की सब्ज़ी मेरी फेवरेट है, ये हमारे यहीं पे आगे बाड़े में हुई थी, तो इसको बनाएंगे आज। नाइट का समय हो चुका है दोस्तों, और किचन में देखते हैं क्या चल रहा है। हाँ, अभी खाना बन रहा है। सब्जी आज बन रही है भिंडी की सब्जी, और इधर बैंगन रोटी बना रही है। आजकल रोटी बना रही हूँ। आजकल प्रियंका की ड्यूटी है, मेरी वाइफ तो गई है अपने मायके। मम्मी भिंडी की सब्जी बना रही। दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम, और स्कूल के लिए मैं रेडी और अब जा रहा हूँ स्कूल। ब्लॉग की शुरुआत मैंने कल से ही कर ली थी। आज का मौसम बादल लगे हुए हैं, लेकिन अभी अब अर्ली मॉर्निंग का नज़ारा देखें। जैसे ही मैं विद्यालय में पहुंचा, बारिश स्टार्ट हो गई है, और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये ब्लॉग कल से स्टार्ट हो गया था, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज ना होए। अभी आज सुबह का मैं आपको बता रहा हूँ, और इस समय ड्रिजलिंग हो रही है, तेज़ बारिश तो नहीं आ रही लेकिन स्टार्ट हो चुकी है बूंदाबांदी। तो लगता है कि फिर बारिश आ ही जाएगी। और यहाँ पर कुछ बच्चे, और ये एक मैम है स्कूल की, नई मैम ये भी आ गई है। दोस्तों, मैं अभी स्कूल में हूँ और एक पीरियड मैंने पढ़ा लिया है, और अभी 9th की क्लास में मैं जा रहा हूँ। इसी बीच आपको वेदर दिखाता हूँ, बारिश अब कभी भी आ सकती है। उतना तेज़ लग नहीं रहा था अनुमान, हल्की बारिश आई थी बूंदाबांदी, लेकिन अभी ये ब्लैक क्लाउड्स आप देख सकते हैं, तो लगता है कि बारिश जरूर आएगी, और ठीक घर जाते वक्त कहीं भीग के जाने की नौबत ना आ जाए। दोस्तों, अब रेन शुरू हो गई है,
और अभी बारिश शुरू हो चुकी है यहाँ। दोस्तों अभी विद्यालय से लौट रहा हूँ घर। थोड़ा देर पहले बारिश भी हुई थी लेकिन अभी बारिश नहीं है। लेकिन आजकल का मौसम कभी धूप कभी बारिश, और धूप तो हालांकि एक दो दिन से तेज है नहीं लेकिन हल्की फुल्की बारिश आ रही है और उमस फिर भी हो रही है, उस तरीके का वेदर है आजकल। बरसात के समय चारों तरफ हरियाली फैल जाती है, आप देखो पेड़ पौधे खेतों में भी और इधर उधर प्रकृति में भी झाड़ियाँ, नेचुरल जो पेड़ पौधे हैं। दोस्तों अब भात दाल खाते हैं, दिन का लंच स्कूल से आने के बाद। इवनिंग का समय है, अभी शाम का समय, हल्के हल्के बादल लेकिन सबसे मौसम थोड़ा थोड़ा साफ। और ये आवाज़ आपको जो सुनाई दे रही होगी ये है पिंडर नदी की आवाज़, जो कि आजकल थोड़ा जल स्तर बढ़ ही चुका है काफ़ी। नीचे आप देख सकते हो खेतों में लोग यहाँ से